नमस्कार दोस्तों, मैं उपेन जागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से प्लान के। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने हमें काफी पहले कांटेक्ट किया था। उनका 10x60 फीट के अप्रॉक्स में प्लॉट है और उनका दोनों साइड रोड है ना। तो आगे से वो चाहते थे एक मुझे दुकान मिल जाए एक साइड, और एक साइड चाहते थे मेन एंट्री हो जाए। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम उनके मॉडल को क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पर उनको तीन मॉडल, हालांकि मॉडल तो सिमिलर है बट उसको कलर कॉम्बिनेशन तीन प्रकार के दिए हैं। तो अगर आप भी हमसे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है और व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर दोस्तों वहां पर नहीं लगे, आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें और ऐसे ही खूबसूरत घर मैं आपको दूंगा। तो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस मॉडल की, 10x60 मैंने की जैसा कि बता दिया। जिसमें दोस्तों आपको देख रहे हो फ्रंट से तीन मॉडल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं तीनों को डिस्कस करूंगा। हालांकि सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर का यहाँ डिफरेंट है। और देख सकते हैं तीनों मॉडल, और हमारे एक जो सब्सक्राइबर थे वो उनका ये बैक साइड है ना। फ्रंट में उनको एक चाहिए था दुकान नीचे शॉप, तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पर शॉप भी मैंने क्रिएट की है। ये इनका फ्रंट साइड है और ये इनका बैक साइड है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला ना। तो इधर से इनका मेन गेट था, तो इधर आपका ये बाइक वगैरह या जो भी चाहे वो पार्क कर सकते हैं। हालांकि 10x60 फीट है इनका पूरा एरिया, तो 60 फीट इसकी गहराई है और 10 फीट इसकी चौड़ाई है। तीनों मॉडल सेम है, ऐसे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि इसमें तीन तीन दिख रहे हैं, सिर्फ मैंने कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर को डिफरेंट किया है और इस साइड सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं दुकान साइड से, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका शटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। फ्लोर है, स्टेयर दिए हैं, ये शटर है। यहाँ से आप जैसे इसको नीचे करें तो पहले बड़ा सा आप हॉल देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। इसके बाद एक बेडरूम देखने को मिलेगा, इसमें मैंने देखिए डोर दिया है। इसके जैसे आगे जाएंगे तो स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के नीचे लेट एंड बाथ मैंने कंबाइंड क्रिएट किया है। इसके बाद आगे एक पार्किंग टाइप का एरिया देखने को मिल रहा है ना। अगर आप उधर से एंट्री करेंगे फ्रंट से, तब आप डायरेक्ट मेन गेट से एंट्री करेंगे और आप इस पार्किंग एरिया में आएंगे, फिर स्टेयर्स के नीचे लेट बाथ, फिर बेडरूम, फिर दुकान वाला हॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है, आप देखिएगा यहाँ पर ये मैंने आगे छज्जा टाइप का निकाल रखा है। तो जब आप स्टेयर से ऊपर आएंगे ना, तो आगे का जो पार्किंग टाइप का एरिया था वो सिमिलर मैंने रखा है, सिर्फ यहाँ पर चेंजमेंट किया है। इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम था तो वो मैंने यहाँ पर किचन में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया कन्वर्ट कर दिया है, फिर आपका एक बाथरूम कन्वर्ट कर दिया, ये आपका टॉयलेट कन्वर्ट कर दिया है, और ये आगे जो हॉल था दुकान में उसको भी एज एक बेडरूम बना दिया है। अब देखिए फ्रंट से अगर आप देखेंगे, सामने से बैक साइड सॉरी से, तब आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 फीट का छज्जा। इस पर एक डोर मैंने दिया है बालकनी को एक्सेस करने के लिए और एक विंडो भी वेंटिलेशन के दिया है बैक साइड। ऐसा सिमिलर ही दोस्तों आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेगा, एक डोर और एक विंडो जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपने बालकनी को एक्सेस कर पाएं। और अगर आप दुकान तरफ से देखते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पहले ये बेडरूम, फिर टॉयलेट, फिर बाथरूम, फिर डाइनिंग एरिया, फिर आपका किचन, फिर स्टेयर्स और एक ये बेडरूम। तो ये तो आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया दोस्तों। ऐसे ही देखिए मैंने ये एक अलग कलर दिया है घर का, और इसमें अलग फ्रंट में मैंने टेक्सचर भी दिया था बैक साइड, देख सकते हैं ना। लास्ट फ्लोर में दोस्तों 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है और इसको ढक भी दिया है, उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप पूरे छत पर अपने आराम से टहल सकते हैं। और ये मैंने वही बालकनी जो आपका दिख रहा है, 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, और ये आपका बैक साइड और फ्रंट में बिल्कुल सिमिलरिटी क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है। तो ये घर कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। हमारा जो पेड यूजर थे हमारे, उनके लिए काफ़ी पेंडिंग मॉडल, उनका लगभग 1.5 से 2 महीने अप्रॉक्स हो गए दोस्तों। उनको मैंने 2D पहले कुछ दिए थे, फिर उन्होंने चेंजमेंट कराए, इसके बाद फाइनली मुझे कल टाइम मिला तो मैंने उनको 3D बनाकर ये दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप दोस्तों इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ही आपको एक बेहतरीन से मॉडल देखने को मिलते हैं। और आप हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, इससे मेरे सभी अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। और पेड सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।